अगर आपको भी पार्लर जाके वो तामझाम नहीं करना है तो आप ये फेसियल किट जरूर यूज कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शूट कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेसियल एट होम, और उसके लिए मैं ये डर्माकोका फेसियल किट यूज करने वाली हूँ। अगर हम पार्लर में जाके फेसियल कराते हैं तो 1000-2000 तो मिनिमम हमारे खर्च हो ही जाते हैं, बट आज जो मैं फेसियल बताने वाली हूँ वो आप सिर्फ और सिर्फ 399 में कर सकते हो विद द पावर ऑफ टू एक्टिव। तो देरी किस बात की, चलो फटाफट से फेसियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस फेसियल किट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो ये फेसियल किट है द डर्माको ब्रांड का, एंड इसमें है पावर ऑफ टू एक्टिव्स जो कि विटामिन सी एंड नायासिनमाइड। दोनों एक्टिव्स ही हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड आपका कंसर्न है डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, तो ये वाला किट तो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। इसमें टोटल 6 स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने होंगे, एंड कुछ ऐसा है फेसियल किट अंदर से। इसके साथ आपको 6 अलग अलग ट्यूब आ जाएंगे, एंड सारे के ऊपर स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हो। एंड इसकी प्राइस है ओनली 399। तो मैं सारे ट्यूब्स निकाल लेती हूँ। बाय द वे, एक बात है जो कि मैं बहुत टाइम से आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, बिकॉज आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से मेरे चैनल पे लाइक मेकअप से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड और हॉल वीडियोस ये सब बहुत कम देखने को मिल रही होंगी, बिकॉज आप सबको पता है कि मैं अभी ओमान में शिफ्ट हो गई हूँ। तो क्या है ना कि यहाँ मैं बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैं बस उतना ही लेके आई हूँ जितना कि थोड़ा बहुत जब मैं बाहर जाऊँ तो मेकअप कर सकूँ, वो भी बेसिक मेकअप। तो इसलिए मेरे पास उतने प्रोडक्ट्स नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आपको मैं क्या ही ट्यूटोरियल में दिखाऊंगी, एक लुक दो लुक उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मेकअप कंटेंट मैं अभी नहीं डाल पा रही हूँ। और बात करें स्किन केयर कंटेंट की तो वो भी सेम ही रीजन है, बिकॉज मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके नहीं है। वहां पे क्या था कि मुझे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते थे, ब्रांड अलग अलग प्रोडक्ट्स भेजते थे, तो मैं ट्राई करती थी और ट्राई करने के बाद मुझे अच्छे लगते थे तो मैं आपको शेयर करती थी। अभी मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरे पास खुद लिमिटेड प्रोडक्ट्स है तो मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ। बट फिर भी जो भी टिप्स है, ट्रिक्स है, हैक्स है, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। एंड बात करें हॉल्स की तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ के सारे ब्रांड बहुत ही अलग है, एंड यहाँ पे इंडिया के जैसे इतने सारे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है ही नहीं, तो फिर मैं क्या ही हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरा कॉन्टेंट क्यों थोड़ा अलग हो रहा है यहाँ पे। बाकी जब मैं इंडिया जाऊंगी तो आपके लिए ढेर सारे हॉल वीडियो जरूर लेके आऊंगी। एंड बस यही चीज था जो मुझे शेयर करना था। एंड बहुत जल्द मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज गाइस जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड यार बस यही चीजें थी जो आपसे शेयर करना था और मैंने कर दिया। तो चलो अब फेसियल करते हैं, तो स्टेप वन से शुरू करते हैं। स्टेप वन में हम यूज करेंगे क्लेंजर, यह है दी डर्माकोका सी सेनेमाइड रेडियंस क्रीमी क्लेंजर। एंड एक चीज मैं बताना भूल गई कि ये फेसियल किट आपको नाइका पे, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये सब पे इजीली अवेलेबल है। चलो फटाफट से हम, तो अभी मैं फेस वॉश करने वाली हूँ तो थोड़ा सा मैं अपने हाथों पे लूंगी। बाय द वे ये क्लेंजर जेल बेस्ड क्लेंजर दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ। क्लेंजर ना बहुत ज्यादा फोम क्रिएट नहीं कर रहा है, बट ये आपके स्किन को डीपली अच्छे से क्लीन करता है। 60 सेकेंड्स के लिए मैं अपने स्किन पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, और अब मैं जाऊंगी पानी से अपना मुंह धो लूंगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ फेस वॉश करने के बाद। A few moments later. Okay guys, I am back and मैंने फेस वॉश कर लिया है, और इस क्लेंजर ने मेरे फेस को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन किया है। सो स्टेप वन हो गया है, चलो अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। एंड सेकेंड स्टेप में हम यूज करेंगे पीलिंग सॉल्यूशन, ये है द डर्माकोका सी सेनेमाइड रेडियंस पीलिंग सॉल्यूशन। तो बेसिकली फेसियल में क्या होता है ना, दूसरा स्टेप सब स्क्रब करते हैं, तो स्क्रब की जगह इधर केमिकल पीलिंग दिया है जो कि बहुत अच्छा भी है, एंड हमारी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा और अच्छे से एक्सफोलिएट भी करेगा। इसे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका फेस पूरा अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो, एंड इसे मैं अपने हाथों पे लूंगी और इवेनली आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो मैंने इवेनली इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है।
अब मैं वेट करूंगी 8 to 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा इसे आपको नहीं रखना है, और उसके बाद पानी से नॉर्मली वॉश कर देना है अपना फेस। तो आपसे मैं मिलती हूँ 10 मिनट्स के बाद। 10 minutes later. ओके गाइस, सो 10 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसे वॉश कर दूंगी। तो इसे फटाफट से मैं वॉश करके आती हूँ। ओके गाइस, सो दोबारा मैं मुंह धो के आ गई हूँ एंड मैं सिंपली टॉवल से पैड ड्राई करूंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूट्रलाइजर, ये है डिडमको का सीसेनामाइड रेडियंस जेल न्यूट्रलाइजर। तो थोड़ा सा क्वांटिटी आपको लेना है और इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको 2 to 4 मिनट्स के लिए एज इट इज इसे छोड़ देना है। तो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, इसे मैं 2 to 4 मिनट्स के लिए एज इट इज छोड़ दूंगी, और 3-4 मिनट बाद इसे वॉश मत करना, इसे एज इट इज छोड़ना है। तब तक आपको नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मसाज क्रीम। कोई भी फेसियल में मसाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मसाज के लिए अच्छे से टाइम देना होगा और अच्छे से प्रॉपरली करना होगा। मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं जो आपको प्रॉपर मसाज करने का तरीका बताऊंगी, बट हाँ जैसे मैं करती हूँ मैं उतना आपको जरूर बताऊंगी। बाकी आप यूट्यूब से देख सकते हो कि कैसे आप प्रोफेशनल वे में मसाज कर सको। 3-4 मिनट हो गए हैं, अब मैं मसाज क्रीम को लूंगी और अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करूंगी। एंड मसाज आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि स्किन ड्राई हो रही है, फिर से आपको मसाज क्रीम देना है और उसे फिर से अच्छे से अप्लाई करने के बाद मसाज करना है। ओके, मसाज कंप्लीट हो गया है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो स्टेप 5 में है जेल मास्क। तो देखा जाए तो ये लास्ट स्टेप होने वाला है हमारा फेसियल का, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सनस्क्रीन। तो ये जेल मास्क है। ओके, तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। तो ये मास्क मैंने इवनली अप्लाई कर लिया है और इस मास्क को हमें 10 मिनट्स के लिए एज इट इज छोड़ देना है। ओके, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ 10 मिनट में फेस वॉश करने के बाद। 10 minutes later. ओके गाइस, आई एम बैक एंड मैंने मुंह धो लिया है और अब मैं इसे अच्छे से पोंछ लूंगी। बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे स्टेप्स करने के बाद मेरा फेस काफी क्लीन लग रहा है एंड बहुत सॉफ्ट भी फील हो रहा है। बाकी बहुत ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट नजर नहीं आ रहे हैं, बट इसमें एक्टिव्स है तो इसके रिजल्ट कुछ टाइम बाद आपको नजर आएंगे। एंड अब बारी है लास्ट स्टेप की, जो कि है सनस्क्रीन। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ द डमको का सीसेनामाइड रेडियंस सनस्क्रीन। ये पूरा फेसियल करने के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक्टिव्स है एंड स्पेशली आपने इसमें पीलिंग सॉल्यूशन यूज किया है, तो उसके बाद सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। एंड जिस दिन आप फेसियल करो उसके नेक्स्ट डे भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर दिन सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, बट ये फेसियल करने के बाद आप ऐसे ही धूप में मत निकल जाना, आप सनस्क्रीन लगा कर ही जाना, क्योंकि हमने जो पीलिंग सॉल्यूशन यूज किया है वो हमारी स्किन को काफी सेंसिटिव बना देता है कुछ टाइम के लिए। तो मैंने 2 फिंगर पे अच्छे से सनस्क्रीन ले लिया है और मैं अब अप्लाई करूंगी। ये द डमको के सनस्क्रीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं एंड कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं देता है। अभी आपको लग रहा होगा मैंने बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगा लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सनस्क्रीन थोड़ा सा लगाने से कुछ भी नहीं होता है, आपको प्रॉपर 2 फिंगर रूल अप्लाई करना ही पड़ता है। एंड इसे अपने अंडर आई एरिया पे लगाना मत भूलना, लिप्स पे भी लगाना है। ओके गाइस, सो इट्स डन एंड लुक एट माय स्किन, काफी ज्यादा क्लियर लग रही है। वैसे इस फेसियल किट को आप एक और बार यूज कर सकते हो, वैसे तो लिखा है ये सिंगल यूज किट है, बट इसे आप आराम से 2 बार यूज कर सकते हो। तो आप सोच रहे हो 400 रुपये में आप 2 बार फेसियल कर पा रहे हो, मतलब कि ये फेसियल एट होम आपको सिर्फ 200 में मिल रहा है, इससे अच्छा डील तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको भी पार्लर जाके वो तामझाम नहीं करना है तो आप ये फेसियल किट जरूर यूज कर सकते हो। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो, और इस वीडियो को 1 लाइक जरूर देना। तो चलो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।